हे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और आज मैं आपको इसी हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के बारे में बहुत ही अच्छी बात बताने जा रही हूँ। और थोड़ा सा मैं आज सड़क के किनारे नीचे वाली टेरेस पे खड़ी हूँ, इसलिए थोड़ी सी बाहर का जो शोर है उसको इग्नोर करें गाइज, उसके लिए सॉरी। तो गाइज, ये मैं आपको इसका जब आप नर्सरी में लेने जाएंगे, जो बिगनर्स हैं खास करके उनके लिए, तो हिबिस्कस में बहुत सारे हिबिस्कस आते हैं क्वालिटी वाइज, तो बहुत कम एज में और बहुत छोटे हाइट में बहुत सारे फ्लावरिंग का मज़ा लेना है। तो आपको कौन सा हिबिस्कस अपने यहाँ लेके आना है, मैं आपको वही बताने वाली हूँ। कभी कभी क्या होता है, हिबिस्कस लॉन्ग चला जाता है बट उसमें फूल नहीं आते हैं। ये बहुत कम एज का है, इसको अभी 3 मंथ्स हुए हैं मेरे यहाँ, मैं बहुत छोटा लाई थी और अभी देख सकते हैं आप, ये काफ़ी सारी फ्लावरिंग करता रहता है। इसमें बहुत सारी बर्ड्स भी आ रही हैं, जब से आया है कम एज से तभी से ये फ्लावरिंग कर रहा है मेरे यहाँ पर, और हाइट भी ले रहा है, ये देखिए। तो मैं इसकी आपको स्पेशल आज पहचान कराने वाली हूँ कि कौन सा है हिबिस्कस हमें जब परचेस करने जाएं नर्सरी में, या फिर जो भैया हमें गली में बेचने आ जाते हैं उनसे कौन सा ले। तो देखिए, जब नए नए होते हैं तब इनमें इस तरीके से लीव्स आती हैं, पर थोड़ा सा जब पुराना होता है तो ऐसी लीव्स आती हैं इसमें। ये देखिए, दो कलर की दिख रही हैं, ये इसकी पहचान है। ये देखिए, हल्की सी रेड आ जाती है हर एक ब्रांचेज में है। ये देखिए, मैं दिखा पा रही हूँ तो आपको इस तरीके से। तो ये इस तरीके का जो प्लांट्स आपको नज़र आए ना, आपने बहुत जल्दी ले लेना है। और ये बहुत ही कम एज में और बहुत ही कम हाइट में बहुत सारी ब्रांचेस निकालता है, बहुत ज़्यादा बुशी हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी करता है। तो इसमें जब से ये प्लांट्स मेरे यहाँ 3 मंथ्स हो गए, इसको जब से आया है तब से बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है। रोज़ के पर डे हमें इतने सारे फ्लावर्स देता है, ये आप पूजा कर सकते हैं या फिर एज इट इज़ लगे हुए आप इनका मज़ा ले सकते हैं। आप अभी देख रहे होंगे इसमें कितनी सारी फ्लावरिंग हो रही है ना। तो इसमें मेरे पास वैसे कई हिबिस्कस लगे हैं, पर ये भी हिबिस्कस मुझे खुद को पहली बार इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो रहा है कि ये वाला जो हिबिस्कस होता है इसमें ऑलरेडी बहुत सारे फूल आते रहते हैं ये, और बिल्कुल रेड कलर के बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं इस तरीके से। ये देखिए, तो जो भाई बहन हिबिस्कस को लव करते हैं और लगाना पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, और चाहते हैं कि हमारे यहाँ काफ़ी सारी फ्लावरिंग हो, वो यही वाला है हिबिस्कस अपने यहाँ ला के लगाएं। और हिबिस्कस को तो आप कभी भी लगा सकते हैं, पर अगर आप हिबिस्कस को ये अगस्त से पहले लगा लें तो बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही अच्छे से ये बहुत ग्रो कर जाता है, बहुत जल्दी ग्रो करता है हिबिस्कस। तो अगर आप बरसात में लगाते हैं ना ला के, तो समझ लीजिए कि आपका 2 ही 3 मंथ्स में आप ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, बहुत जल्दी। आपको ज़्यादा कुछ करने की, अभी तक इस हिबिस्कस में मैंने 3 मंथ्स में अभी तक किसी भी तरीके का कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। जो मैंने गार्डन सॉयल में गोबर की खाद मिला के इस गमले में फिल कर रखी है, उससे ज़्यादा अभी इसके साथ मैंने कुछ भी नहीं किया है। और आप इसकी जो हेल्थ वेल्थ है प्लांट्स की, वो आप देख ही सकते हैं कितनी खूबसूरती से दिख रही है, और फ्लावरिंग भी हो रही है, और बर्ड्स तो आप देख ही रहे हैं कितनी सारी आ रही हैं। देखिए, दिखा रही हूँ ना मैं आपको, तो ये बहुत सारी ब्रांचेस, ये देखिए इस तरीके से बुशी निकलेगा, और जितने ज़्यादा बुशी निकल के आएगा उतने ज़्यादा आपको ये फ्लावर देगा। तो मैंने आपको इसकी पहचान बताई, तो जब भी आप हिबिस्कस लगाएं तो ये वाला प्लांट ज़रूर लगाएं। और मैंने इसकी आप कटिंग भी लगा सकते हैं, कटिंग से ईजिली अगर किसी फ्रेंड्स के यहाँ रिश्तेदार के यहाँ मिल जाए तो इसकी कटिंग बहुत ईजिली लगती है, ज़रूर लगाइएगा। और मैं फिर मिलती हूँ आपसे किसी बहुत अच्छी और प्यारी सी जानकारी के साथ, तब तक आप लोग मेरे इस वीडियो को एंजॉय करें। जो भाई बहन मेरे साथ पहली बार मेरे चैनल पे जुड़ चुके हैं उनसे कहना चाहूँगी, गाइस मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। काफ़ी टाइम से कम 6-7 साल हो गए मुझे अपने चैनल को बनाए, और वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा है गाइस। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और लाइक कर दीजिएगा, लाइक से मनी तो नहीं मिलती है बट आप लोगों का मोटिवेशन, बहुत सारा मोटिवेशन मुझे मिल जाता है अगर आप लोग लाइक करते हैं। तो गाइस फिर मिलती हूँ, तब तक एंजॉय दिस वीडियो, बाय फ्रेंड्स।